Hi friends, today I am again here with the class 11th Statistics for Economics, the second chapter collection of data. Students, we are reading about the in previous video lecture source of data, meaning of statistics, data, etc. So here in this video lecture we are reading only the primary data and secondary data, meaning of primary and secondary data. So here the meaning of primary data and secondary data. The primary data means the data collected by investigator for his own purpose for the first time beginning to end are called primary data. Means whatever data is collected by the investigator for his own purpose from the first time to end. Means अगर किसी data को कोई भी इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट करता है स्टार्टिंग से लेके उसके एंडिंग तक, वो उस डेटा को प्राइमरी डेटा कहते हैं। नाउ है, जैसे मान लो अगर आपको बोला जाए कि आप अपने लोकेलिटी में जो भी हाउस होल्डर्स हैं उन हाउस होल्डर्स के वहाँ ये पता कीजिए कि वे किस टाइप्स के प्रोडक्ट को पसंद करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप टी लीव चाय पत्ती की बात कर लीजिए, तो आप उनसे अगर आप ये जानना चाहते हैं कि प्रेजेंट टाइम में आपको, मान लीजिए आप किसी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हो और आपको पता करना है, तो आप जाएंगे उस लोकेलिटी में एक पर्टिकुलर एरिया में और आप खुद उनसे पूछेंगे आप कौन से टी लीव को यूज़ करते हैं, तो वो बताएंगे आपको। तो वहाँ आपको जितना आपको मतलब टारगेट है कि 100 हाउस होल्डर से पूछना, 200 हाउस होल्डर से, तो उतने लोगों से जो भी इंफॉर्मेशन फ्रॉम 1 to 200 यू आस्क, देन यू गेट वाट एवर डेटा, देन इट इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। मीन्स इफ द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ फॉर हिज ओन पर्पज कलेक्ट फर्स्ट टाइम बिगनिंग टू इन आर कॉल्ड प्राइमरी डेटा। वो पहली बार खुद से स्टार्टिंग से लेके एंड तक इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट करेगा वो क्या हो जाएगा, प्राइमरी डेटा। क्लियर? नाउ सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा आर दोज विच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस एंड विच हैव बीन कलेक्टेड फॉर द पर्पज अदर देन एंसरिंग द क्वेश्चन इन हैंड, दोज आर कलेक्टेड फ्रॉम सेकेंडरी सोर्स। मीन्स सेकेंडरी डेटाज आर दो डेटा विच इज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस एंड विच हैव बीन कलेक्टेड फॉर द पर्पज ऑफ एंसरिंग क्वेश्चन इन हैंड। मीन्स सेकेंडरी डेटा इज अ डेटा विच इज ऑलरेडी कलेक्टेड बाई अनदर पर्सन एंड इट इज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। कोई भी डेटा कब एग्जिस्टेंस में होगा, जब वो पहले से किसी के द्वारा कलेक्ट करके रखा गया हो। तो अब उसी डेटा को आपके पास जो क्वेश्चन है, आपका जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आंसर अगर उसके द्वारा कलेक्ट किए गए डेटा से मिल जा रहा है, तो आपको मेहनत करने की जरूरत क्या है। जैसे एक कंपनी ने यूज किया और इस मेथड से उसको ये पता चला, हम सेम एग्जांपल लेते हैं कि इस एरिया में पर्टिकुलर इस टाइप के टी लीव का यूज़ किया जाता है। अब हमको पता करना था कि क्या मेरे प्रोडक्ट का यूज़ वो करते हैं या नहीं। तो अगर वहाँ से अगर वो पब्लिश किए हुए हैं पब्लिश सोर्स से वो कि हमारा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा इस एरिया में चलता है, तो हम वही डेटा ले लेंगे और उसको दे के हमारा जो क्वेश्चन है कि क्या हमारे प्रोडक्ट को वो यूज़ करते हैं, तो हम वहीं से आंकड़ा लगा लेंगे, कंपेयर कर लेंगे सारी चीज़ें कि हमारा यूज़ होता है प्रोडक्ट या नहीं। तो सेकेंडरी डेटा वही होता है जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में होता है और जो हमारे क्वेश्चंस के आंसर इजिली देता है, और ये जो डेटा कलेक्ट किया जाता है वो सेकेंडरी सोर्स से किया जाता है। प्राइमरी सोर्स हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, जो कि पहले से डाटा सबसे पहले टाइम कलेक्ट किया जाता है और पर्टिकुलर प्लेस से कलेक्ट किया जाता है, वो प्राइमरी सोर्स होता है। फिर हमने प्राइमरी डेटा देखा कि जो फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जाता है, फिर हमने सेकेंडरी डेटा देखा जिसमें बोला गया एग्जिस्टेंस, और एग्जिस्टेंस में सेकेंडरी सोर्स से जो डेटा लिया जाता है। इट मीन्स वी कैन से दैट द सेकेंडरी डेटा इज द डेटा विच इज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस एंड विच प्रोवाइड द आंसर ऑफ क्वेश्चन एंड इट इज कलेक्टेड फ्रॉम द सेकेंडरी सोर्स। मीन्स सेकेंडरी डेटा सेकेंडरी सोर्स से कलेक्ट होता है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी सोर्स एंड द प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। सो हियर फर्स्ट मीनिंग, बोथ मीनिंग वी कैन राइट हियर। देन आफ्टर सोर्स वी कैन से दैट द प्राइमरी डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम द प्राइमरी डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम द प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी डेटा इज सोर्स मीन्स प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ डेटा एंड सेकेंडरी सोर्स
the data, secondary data is collected from the secondary source. Originality, the primary data is most original, means original and reliable, but the secondary data is collected, so there are no originality is available. Now fourth, cost. So cost, in primary data most more cost, efforts and time involved. In comparison of secondary data, there are less time and efforts involved. Availability, primary data have the availability problem, means they are not available, easily available, we have to find out, but secondary data, it is already available. Adjustment, the requirement of adjustment. अब देखो primary data तो available रहता है, available नहीं रहता, हमको खुद जाके collect करना पड़ता है, secondary source में data available रहता है, हम उसी को use कर लेते हैं. Now, the adjustment. एडजस्टमेंट प्राइमरी डेटा को एडजस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्टिव होते हैं उस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग डेटा को कलेक्ट किया जाता है. वेयर वी हैव टू रिक्वायरमेंट ऑफ एडजस्टमेंट इन सेकेंडरी डेटा, जो एग्जांपल मैंने लिया कि अब हमको एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी. जो डेटा प्राइमरी पहले जो पर्सन कलेक्ट किया होगा वो अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग किया होगा, अब मेरा ऑब्जेक्टिव उससे थोड़ा सा डिफर होगा या सेम भी होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, जरूर उस डेटा में कुछ एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी. सो थैंक यू. इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी आर टॉकिंग अबाउट द मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा. इट इज अ इंटरेस्टिंग टॉपिक. सो प्लीज लाइक एंड कमेंट.